हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ सोनिक द हेजहॉग 2 को। तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। कहानी की शुरुआत हमें डॉक्टर रोबोनिक को दिखाकर की जाती है, जो अभी भी उसी मशरूम प्लेनेट पर फंसे हुए हैं, जहां उन्होंने लगभग 250 दिन गुजार दिए हैं। साथ ही उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी वापस अर्थ जाने की, जिस कारण वो एक मशीन बनाते हैं, जिस मशीन से वो किसी तरह का सिग्नल पास कर कुछ लोगों को यहाँ पर बुला के खुद को रेस्क्यू करवाएंगे। और उस मशीन को शुरू करने के लिए वो ब्लू क्वेल यूज करते हैं, यानी कि सोनिक का बाल। और जैसे ही वो उसे मशीन से कनेक्ट करते है, तो हम उससे निकलती एक काफी पावरफुल रेंज देखते हैं, जिस कारण हम उस प्लेनेट पर कुछ लोगों को आता देखते हैं, जो आते साथ रोबोनिक से सोनिक के उसी हेयर को लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर वो तीनों शख्स को अपने बूबी ट्रैप से मार गिराते हैं, और जैसे ही वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, उनके सामने नकल्स आ जाता है, जो सोनिक के बारे में पूछता है, तो वो उसे यही कहते हैं कि मैं तुम्हें उस तक पहुँचा सकता हूँ। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है सीधा सोनिक की तरफ, जो शहर में गुंडों को मजा चकाने के लिए आया हुआ है, और साथ ही वो खुद को ब्लू जस्टिस बुलाता है, यानी कि वो खुद को बैटमैन जैसा एक हीरो मानता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसका वो प्लान काफी बेकार निकलता है, और उस कारण शहर में पूरी चीजें इधर की उधर हो जाती है। और साथ ही जिस शख्स को वो बचाता है, वो शख्स उसे यही कहता है कि तुम एक बेकार हीरो हो। और फिर घर जाने के बाद हम देखते हैं कि वो टॉम के साथ बोटिंग के लिए जाता है, जो उसे यही समझा रहा होता है कि तुम्हें ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, साथ ही तुम्हारे लिए सही वक्त और सही मौका आएगा। जिस बात को सुन वो उसे यही कहता है कि आप मेरे डैड नहीं हो, और साथ ही वो ये भी कहता है कि ठीक है, मैं आपसे ये सारी चीजें नहीं करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि टॉम और मैडी सोनिक की रिंग की मदद से मैडी की बहन रेचल की शादी में जा रहे हैं, और साथ ही वहाँ पर भेजते वक्त सोनी उन लोगों को एक और रिंग देता है, ताकि वो लोग घर वापस आ सके। जिसके बाद अब सोनिक घर में बिल्कुल अकेला है, जिसके बाद हम सोनिक को देखते हैं जो पूरे घर को उतल पुतल कर देता है, यानी कि वो अपने अकेलेपन को एंजॉय कर रहा है। और उसी बीच हम एक और कैरेक्टर टेल्स को देखते हैं, जो अर्थ पर आया है सोनिक को किसी तरह के खतरे के बारे में बताने के लिए। और फिर से आए सोनिक पर, तो हम देखते हैं कि अचानक से उसके घर की लाइट्स ऑफ हो जाती है, और उसी दौरान हम डॉक्टर रोबोनिक और नकल्स को आता हुआ देखते हैं, जो वहाँ पर पहुँचते साथ ही सोनिक को मारने लगते हैं। और नकल्स को देख सोनिक को वो सारी चीजें समझ नहीं आती, और साथ ही उसे ऐसा लगता है कि वो उसकी पावर के लिए उसके पास आया हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि नकल्स उसे मास्टर एमरल के बारे में पूछता है, जिस बात को सोनिक यही कहता है कि वो सिर्फ एक कहानी थी। लेकिन हम देखते हैं कि नकल्स उसे बताता है कि उसी कारण मैंने मेरी पूरी फैमिली खो दी। और साथ ही हम देखते हैं कि उस एमरल की बात सुन डॉक्टर रोबोनिक के कान खड़े हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि नकल्स सोनिक को और नुकसान पहुंचाए, उससे पहले ही वहां पर टेल्स आकर उसे वहां से बचाकर ले जाता है। और उसी दौरान वो उसे नकल्स के बारे में बताता है कि वो एक काफी खतरनाक वॉरियर है, जो यहाँ पर मास्टर एमरल्ड के लिए आया हुआ है, और उसे ऐसा ही लगता है कि उस चीज की डिटेल तुम्हारे पास होगी। और साथ ही हम देखते हैं कि नकल्स से बचते हुए टेल्स सोनिक को वहाँ से उड़ाकर ले जाता है, जिस दौरान हम नकल्स को देखते हैं जो पहाड़ी से गिरता है। लेकिन वो बचकर जब ऊपर पहुँच रहा होता है, तो उसी दौरान वहाँ पर डॉक्टर रोबोनिक पहुँचते हैं और अपने मैनेजर यानी कि स्टोन को कॉन्टेक्ट कर अपनी स्पेसशिप को वहाँ पर बुलवाते हैं, जिसके बाद वो नकल्स को सिचुएशन से निकालते हैं और उसके साथ ये डील करते हैं कि वो उसके लिए मास्टर एमरल्ड को ढूंढने में उसकी मदद करेंगे। लेकिन उसके लिए उसे सोनिक को खत्म करना होगा, जिस बात को सुन नकल्स उसका साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सोनिक वेट के पास आता है, जो कि एक पुलिस वाला है, और वहाँ जाकर वो लोग जब सारी बातों को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो उसी दौरान सोनिक लॉन्ग क्लॉ का दिया हुआ लेटर निकालता है, जिस लेटर को ओपन करने के बाद हम देखते हैं कि लॉन्ग क्लॉ का एक प्रोजेक्शन आ जाता है, और वो सोनिक को यही बताती है कि मास्टर एमरल्ड कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है, और उसे इस अर्थ पर काफी सेफ लोकेशन पर छुपाया गया है, ताकि उसे कोई भी हासिल ना कर सके, क्योंकि अगर वो मास्टर एमरल्ड किसी गलत हाथों में लग गया, तो उसे पूरी दुनिया बर्बाद हो सकती है। यानी कि उस मास्टर एमरल्ड में इतनी ताकत है कि वो सोच को ओरिजिनलिटी में बदल सकता है।
है और साथ ही वो सोनिक को ये कहती है कि जब तक मैं जिंदा थी तो सैमरल को सुरक्षित रखने का काम मुझ पर था, लेकिन अब मेरी मौत के बाद ये सिलसिला तुम कायम रखोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लेटर में ही मैप होता है, जिसे देखने के बाद उन्हें फर्स्ट क्लू साइबेरिया का मिलता है और वो दोनों सीधा साइबेरिया के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर पहुँच कर वो लोग एक बार में रुकने का सोचते हैं। और उसी दरमियान हम देखते हैं कि टेल्स इन्वेंटिंग में काफी अच्छा है, यानी कि वो गैजेट्स बनाने में काफी अच्छा है। जिस चीज की तारीफ सोनिक भी करता है तो वो उसे यही कहता है कि इस चीज की इंस्पिरेशन उसे सोनिक से ही मिली है। और साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि जब उसने डॉक्टर रोबोनिक को मजा चकाया था, वो उसके पहले से ही उसे ट्रेस कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि बार में छोटी सी डांस फाइट होती है और वो लोग वहीं पर रात गुजारना डिसाइड करते हैं। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि डॉक्टर रोबोनिक टॉम के फोन को हैक कर सोनिक को मैसेज करते हैं और उसकी लोकेशन को ढूंढ निकालते हैं। जिसके बाद हम टेल्स और सोनिक को देखते हैं जो एक लोकेशन पर आ पहुंचे हैं, जहां उन्हें उस एम्ब्रल के रिलेटेड कुछ डिटेल्स मिलती है, जिसे जब टेल्स अपने ट्रांसलेटर की मदद से ट्रांसलेट करता है तो वहां पर हमें उस एम्ब्रल की स्टोरी बताई जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि कुछ एकेटना वॉरियर्स ने पावरफुल एम्ब्रल को मिलाकर इस मास्टर एम्ब्रल को बनाया है। साथ ही उन लोगों ने इसे बचाकर ये डिसाइड किया था कि वो लोग ही इसकी रक्षा करेंगे, क्योंकि अगर किसने भी इस मास्टर एम्ब्रल को हासिल कर लिया तो वो उस मास्टर एम्ब्रल की मदद से पूरी सेना पर भारी पड़ सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अंदर जाने के बाद उन्हें एक काफी बड़ी आउल की मूर्ति मिलती है, जिसके नीचे कुछ पजल्स होते हैं जिसे सोनिक सॉल्व करता है, वो भी उसे दिए गए मैप की बदौलत। जिसके बाद उसे उस आउल के जरिए एक कंपास मिलता है जो उन्हें उस मास्टर एम्ब्रल तक पहुँचाएगा। लेकिन उसी बीच हम देखते हैं कि नकल्स और डॉक्टर रोबोनिक आ पहुँचते हैं, जिस सिचुएशन से वो लोग भाग तो निकलते हैं, लेकिन उसी बीच हम देखते हैं कि नकल्स और सोनिक के बीच बातचीत होती है, जिस दौरान नकल्स उसे ये बताता है कि उसने अपनी सारी फैमिली को खो दिया जब वो लोग लॉन्ग क्लॉ की आर्मी से लड़ने के लिए गए थे। जिस बात को सुन सोनिक उसे यही कहता है कि उसी रात मैंने भी अपना सब कुछ खो दिया था। और जब वो दोनों एक दूसरे से अटैच होने की कोशिश करते हैं तो उसी दौरान टेल्स आकर नकल्स पर हमला कर देता है। जिस सिचुएशन में सोनिक उसे वो कंपास देकर वहाँ से निकलने के लिए कहता है, लेकिन हम देखते हैं कि रॉबर्ट निक आकर उस कंपास को ले जाते हैं और साथ ही उसी दौरान टेल्स घायल भी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर रोबोनिक और नकल्स उस सिचुएशन से निकल जाते हैं और अचानक से वहाँ पर बर्फ गिरना शुरू होती है, जिस सिचुएशन में सोनिक टॉम को कॉल लगाकर उसे उसकी रिंग यूज करने के लिए कहता है। लेकिन हम देखते हैं कि टॉम को पता ही नहीं चला कि कब वो रिंग वेडिंग रिंग के साथ बदल गई। जिसके बाद वो रेचल और उसके फियांसे से उस रिंग को लेकर एक पोर्टल खोलता है, जिस कारण वो सोनिक और टेल्स को बचा लेता है। लेकिन उसी दरमियान हम देखते हैं कि रेचल का जो फियांसे है वो कोई आम शख्स नहीं बल्कि फेडरल एजेंट है, और साथ ही वो रेचल से शादी नहीं बल्कि उसे बेवकूफ बना रहा था ताकि वो सोनिक तक पहुंच सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग सोनिक को अपने कब्जे में ले लेते हैं और साथ ही टेल्स और टॉम को भी, जिस सिचुएशन से उन्हें छुड़ाने का जिम्मा मैडी और रेचल लेते हैं, वो भी टेल्स के गैजेट की मदद से। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैडी उन लोगों को छुड़ाने में कामयाब हुई है और साथ ही रेचल अपने फियांसी को ये बताने में कि डॉक्टर रोबोनिक अभी भी जिंदा है। जिसके बाद हम डॉक्टर रोबोनिक और नकल्स को देखते हैं जो एक रिंग की मदद से किसी लोकेशन पर आ पहुंचे हैं, और वो लोग जैसे ही उस लोकेशन पर उस कंपास को रखते हैं तो हम देखते हैं कि उस कंपास की मदद से जमीन के नीचे एक पोर्टल खुलता है, जहां पर उन्हें उस मास्टर एमरल्ड की टेंपल मिलती है। और साथ ही वो लोग जैसे ही उस टेंपल को ओपन करते हैं तो एक लाइट आसमान में चमकने लगती है, जिस चीज का पता सोनिक को भी लग जाता है और वो टॉम और मैडी को ये कहता है कि मैं ये सारी सिचुएशन संभाल लूंगा, और इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टेल्स की आँख खुलती है और वो टॉम और मैडी को सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। और फिर से आए डॉक्टर रोबोनिक और नकल्स पर, तो हम देखते हैं कि डॉक्टर रोबोनिक के गैजेट की मदद से वो लोग मास्टर एमरल्ड की तरफ पहुंच चुके हैं, और साथ ही उसी दौरान वहाँ पर सोनिक भी पहुंच जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब नकल्स और सोनिक एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं तो उसी बीच डॉक्टर रोबोनिक उस एमरल्ड को ले लेता है, जिस कारण उसमें काफी सारे पावर्स आ जाते हैं, जिसके वजह से वो पूरा टेम्पल टूटने लगता है। और हम नकल्स और सोनिक को देखते हैं जो एक दूसरे की जान बचाते हैं। जिसके बाद जब वो लोग ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो दोनों में दोस्ती हो गई है। जिसके बाद हम टेल्स को देखते हैं जो अपनी प्लेन वहाँ पर ले आता है, और उन दोनों
दोनों को उस सिचुएशन से लेकर सीधा डॉक्टर रोबोनिक के पास ले जाता है, जिस बीच हम डॉक्टर रोबोनिक को देख सकते हैं कि उसे पुलिस वालों ने चारों तरफ से घेर लिया है। लेकिन उसी बीच डॉक्टर रोबोनिक अपनी पावर को यूज कर एक काफी जायंट रोबोट बनाता है और उस सिचुएशन में नकल्स, टेल्स और सोनिक आ पहुँचते हैं, जहाँ पर वो लोग ये प्लान बनाते हैं कि नकल्स की पावर, टेल की समझदारी और सोनिक की स्पीड की मदद से वो लोग डॉक्टर रोबोनिक को हरा सकते हैं। और हम ऐसा होता देखते भी हैं, जहाँ पर सोनिक डॉक्टर रोबोनिक को डिस्ट्रैक्ट करता है और उसी दौरान टेल्स और नकल उसके अंदर से वो मास्टर एमरल्ड निकालने में कामयाब होते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि सोनिक उस एमरल्ड को जैसे ही उठाने के लिए जाता है तो डॉक्टर रोबोनिक अपने रोबोट को यूज कर उसे मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसे बचाते हुए उसी सिचुएशन पर टॉम और मैडी आ पहुँचते हैं, लेकिन वो लोग ज्यादा दूर नहीं जा पाते, जिस कारण डॉक्टर रोबोनिक उन लोगों को उसी सिचुएशन में फंसा देता है। जिसे देख सोनिक उन लोगों को उस सिचुएशन से जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो मास्टर एमरल्ड को यूज कैसे करना है। और उसी बीच हम देखते हैं कि वो मास्टर एमरल्ड टूट जाता है और उसके अंदर जो बाकी एमरल्ड है वो बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि मैडी और टॉम ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग सोनिक को अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उसी दौरान हम देखते हैं कि वो सारे एमरल्ड सोनिक के अंदर चले जाते हैं, जिस कारण हम सोनिक को और पावरफुल देख सकते हैं और उस कारण उसका कलर ब्लू से येलो में बदल जाता है और उस पावर की मदद से वो डॉक्टर रोबोनिक के उस जायंट रोबोट को रोकने में कामयाब होता है। जिसके बाद जब टॉम और मैडी उसके पास जा रहे होते हैं तो नकल्स उन लोगों को रोक कर यही कहता है कि अब वो आपका सोनिक नहीं रहा, क्योंकि उसके अंदर काफी सारी पावर्स आ चुकी है। लेकिन उसी दौरान हम देखते हैं कि सोनिक बिल्कुल भी बदला नहीं है और वो अपनी पावर को यूज कर आसमान से खुद के लिए हॉट डॉग मंगवाता है, जिसके बाद सोनिक अपने अंदर से वो सारे एमरल्ड को बाहर निकाल नकल्स को देता है और नकल्स उन सारे एमरल्ड्स को कनेक्ट कर वापस से मास्टर एमरल्ड बनाता है। जिसके बाद वो तीनों ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग उस मास्टर एमरल्ड की रक्षा करेंगे। जिसके बाद हम सभी लोगों को देखते हैं जो एक साथ बेसबॉल खेल रहे होते हैं, जिस दौरान हम देखते हैं कि सोनिक टॉम को डैड कहकर बुलाता है और उनसे उसके बर्ताव के लिए माफी भी मांगता है। जिसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम पुलिस वालों को देखते हैं जो डॉक्टर रोबोनिक के उसी रोबोट की लोकेशन पर आ पहुँचे हैं और उन्हें ऐसा ही लगता है कि डॉक्टर रोबोनिक की मौत हो चुकी है। लेकिन उसी सिचुएशन में हम उसके मैनेजर स्टोन को देखते हैं, जिस दौरान हम दो ऑफिसर्स को बात करता हुआ देखते हैं, जो एक ऑफिसर को यही बताती है कि डॉक्टर रोबोनिक की चीजें खंगालने के बाद उन लोगों को एक सीक्रेट लोकेशन मिली है, जिस लोकेशन में उसने शैडो को छुपा कर रखा है। और यहाँ पर सोनिक द हेजहॉग 2 का ये रिकैप खत्म होता है। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही अगर मेरी वॉइस आप लोगों के इस चैनल पर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज की रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।